हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे शेयर स्प्लिट कैसे होते हैं। शेयर स्प्लिट में कंपनी अपने शेयर्स को एक रेशियो में डिवाइड करती है, जिससे मार्केट में कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं और कंपनी की शेयर प्राइस और फेस वैल्यू उसी रेशियो में कम होती है। अब इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। समझो हमारे पास एक पिज्ज़ा है, हमने उसे 4 पीसेस में कट कर दिया, फिर उसी पिज्ज़ा को हमने 8 पीसेस में कट कर दिया। भले ही पिज्ज़ा 4 से 8 क्यों ना हो गया हो, फिर भी पिज्ज़ा तो एक ही रहेगा ना। ये हुआ पिज्ज़ा का एग्जांपल। अब हम देखते हैं कंपनी में कैसा होता है। मानो ABC कंपनी है, उसने अपने शेयर को 1:5 रेशियो में स्प्लिट कर दिया, तो हमें उस हर एक शेयर पे 5 शेयर मिल जाएंगे। मानो आपके पास ABC कंपनी के पहले से ही 100 शेयर्स है और स्प्लिट होने के बाद वो 100 से 500 हो जाएंगे। पर शेयर तो बढ़ गए, लेकिन टोटल कैपिटल तो उतनी ही रहेगी। ये कैसे, ये जानते हैं। ABC कंपनी ने अपने शेयर स्प्लिट किए 1:5 रेशियो में। मानो स्प्लिट करने के पहले ही आपके पास ABC कंपनी के 100 शेयर्स थे, उसकी कीमत थी 200 रुपये, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई 20,000 रुपये। और कंपनी ने जब शेयर 1:5 रेशियो में स्प्लिट किए, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर 500 शेयर्स, पर यहाँ पे शेयर के प्राइस हो गई 40 रुपये। यहाँ पर शेयर की प्राइस चेंज हो गई, पर आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। जब कंपनी अपने शेयर स्प्लिट करती है, तो शेयर की प्राइस उतने ही रेशियो में डिवाइड हो जाती है। अब हम जानते हैं कि कंपनी अपने शेयर स्प्लिट क्यों करती है। जब कंपनी को लगता है कि उसके शेयर की प्राइस बहुत बढ़ गई है, तो कंपनी अपने शेयर को स्प्लिट कर देती है और शेयर के प्राइस कम कर देती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, तो हमारे साथ जुड़े रहिए अगले वीडियो के लिए। थैंक यू।